एक रेडियो का अंकित मूल्य 3,840 रुपया है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ पूरे सौदे पर प्राप्त करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। देखो यहाँ क्या है कि जो रेडियो का अंकित मूल्य है ना, एमआरपी जो है, मार्क प्राइस जो है, वह कितना है आपका? 3,840 रुपया है। ठीक है, 840 है। डिस्काउंट कितने दे रहा है? 10% का दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितने बेचेगा? वह बेचेगा 3,840 × 90। 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 90/100, 0-0 कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसमें गुणा कर लेते हैं, 9 × 4 = 36 की 6 हो गया, 9 × 72 = 72, 3 × 75 हो गया 7, 9 × 3 = 27, 27 × 7 = 34, 3,456 रुपया में वह बेचा। बोल रहा है कि 8% का लाभ उसको मिलता है। ठीक है, 8% का जब उसको लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो सीपी क्या हो गया? सीपी हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 3,456 विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन प्रतिशत लाभ। 100 धन प्रतिशत लाभ यानी कि 108, 100 धन प्रतिशत लाभ 8%, 108। 12 × 9 = 108, यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 12 × 2 = 24, 10, 12 × 8 = 96, 9, 12 × 8 = 96। ठीक है, 288, फिर 9 से कैंसिल आउट हो के 9, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 32 × 100 कितना हो जाएगा? 32 × 100, 3200 रुपया, 3200 रुपया यह सीपी हो गया। करेक्ट। अब देखो बोल क्या रहा है, यदि वह छूट नहीं देता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता? देखिए जाहिर सी बात है, आप कहीं मॉल में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, यदि दुकानदार आपको एमआरपी जो है उस पर अगर आपको छूट नहीं देगा तो जाहिर सी बात है कि जो बेचेगा एसपी बराबर होगा एमपी के, मार्क प्राइस के। ठीक है, मार्क प्राइस के। अब करेक्ट। तो यहाँ जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वह क्या हो रहा है? एसपी यहाँ कितना है? एसपी जो मार्क प्राइस है उसी बेचेगा एसपी, तो 3,840, 3,840 -3200, 3200। ठीक है, आपका कितना हो गया यहाँ? 40, 40 हो गया, 8 में से 2 गए, यहाँ 6, 640, 640 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ में फाइंड आउट करना है, प्रतिशत लाभ फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? लाभ 600 × 640 × 100, 100/100। सीपी कितना है? 3200, 3200 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 32 आया यहाँ ना, तो 16 × 2 = 32, 16 × 4 = 64, 40 × 2 = 20, यहाँ 20% क्या आया? 20% आपका आंसर हो गया। आपका जो उत्तर आया वह आया ए, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।